दोस्तों हम यहाँ बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब ट्विटर वेबसाइट पे आ गए हैं और हमें यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं है इंटर या मैट्रिक का स्क्रूटनी को लेकर, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है इंटर वाला, और यहाँ पे 10 से 13 तारीख तक यहाँ मैट्रिक का कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद उसकी कॉपी सबमिट होगा बिहार बोर्ड में। और अभी क्या हो रहा है, कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, जो फर्स्ट ईयर का 11th वाला होता है उसका एग्ज़ाम चल रहा है, इसी कारण से दोस्तों अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है इंटर या मैट्रिक या स्क्रूटनी का। तो दोस्तों अब बता दें कि आप चेक कैसे कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे, अगर आपको चेक करना होगा आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, अगर वहाँ पर लिंक अगर खुल जाएगा तब, हाँ जब यहाँ रिजल्ट अपडेट होगा तब वहाँ पर जाके आप अपने एप्लीकेशन नंबर और यूज़र आईडी से लॉगिन करके आप देख सकते हैं, अगर वहाँ पर कुछ नंबर बड़ा होगा तो आपको दिखाई देगा। अगर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम यहाँ फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, जो पिछलका नंबर जो पहला नंबर हमारा है उससे हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या नाम लिखवाने के लिए BHI BSc में, तो हम बता दें अभी आप अप्लाई कर लीजिए क्योंकि उसका तो डेट निकल जाएगा फॉर्म भरने का, इसलिए हम बोल दे रहे हैं अभी वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, और बाद में अपडेट होगा तो जब कॉलेज के में सबमिट करने जाइएगा तो वहाँ पे वो कॉलेज वाले करेक्शन कर देंगे आपके नंबर में, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एडमिशन करा सकते हैं।